चल को अपन क्या करते हैं, हैंग हैंग करते हैं। दूसरा वाला क्या है, दो फिंगर, फिंगर के नेक्स्ट वाली फिंगर जिसके ऊपर ये पिस्टल का वेट अपन लटका देते हैं, और तीसरा ये वाला पार्ट है जिसको अपन ग्रिप के अंदर यहाँ घुसा करके यहाँ पे लटक जाती है, सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, ये तीन पार्ट पे ग्रिप बनानी है। इन तीन पार्ट पे ही क्यों बनानी है, कुछ लोगों का सवाल होगा, कई पुराने सूटर्स होंगे, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसके ऊपर कोई भी एक, इधर आ जाओ मेरे पास, कम ही है, इधर खड़े हो, ऐसा करो जैसे पिस्टल पकड़ते हैं, दिस इज योर ट्रिगर फिंगर, ओके, योर थंब लाइक दिस, ये ग्रिपिंग एक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे अगर वेट है, अभी जितना पिस्टल का वेट है, आई एम गिविंग द वेट हियर सेम लाइक पिस्टल, यू हैव टू जस्ट स्टॉप माय हैंड हियर ओनली, ओके, ये जितना पिस्टल का वेट है उतना वेट मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी क्या हुआ, आई जस्ट टोल्ड यू होल्ड माय हैंड हियर, आई डोंट टेल यू अबाउट योर रिस्ट टू लॉक, बट यू लॉक ऑटोमेटिकली, यू लॉक इट कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली लॉक ऑटोमेटिकली, इस लॉक ऑटोमेटिकली और यू जस्ट ट्राई टू लॉक इट ऑटोमेटिकली, अंडरस्टैंड? अगर यहां हम वेट डालेंगे तो हमारी कलाई ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, समझ में आया? इसलिए यहां पे वेट डालते हैं। ठीक है, if you give the pistol's weight here, your wrist will automatically lock. Okay? You no need to put effort to lock the wrist and hold the pistol. You no need to use these muscles for grip. If you use this muscle, you cannot maintain the same pressure till 60th shot. Your muscle will tire after maybe 15, 25, 30, 35 shot. Everybody have different body conditioning. So, unki body जैसे जैसे थकेगी मसल, उनकी ग्रिपिंग एक्शन चेंज होता जाएगा, ग्रुप का जीरोइंग जो है वो चेंज होता जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, ग्रुप शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, शूटर को लगेगा कि मेरी तो सेम क्लिक है, सेम सब कुछ है, मैं क्लिक देने से भी डर जाता है, तो वो क्लिक भी नहीं देगा, तो उसके लिए ग्रिप का एक जैसा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहां से पकड़ा जाता है। दूसरी चीज, पूरा जो लपेट के ग्रिप को पकड़ते हैं वो क्यों नहीं पकड़ना चाहिए, इसके अंदर आपका लॉजिक आएगा स्पोर्ट्स साइंस का जो आपको पढ़ाया गया है। पूरा ग्रिप अगर हम लपेट के पकड़ रहे हैं तो क्या होगा, एक तो हमने पूरा फिंगर और ये मसल यूज कर लिया, पूरा फिंगर यूज किया, अब फिंगर यूज करते ही ये मसल इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये थकेगा, और ये हर शॉट में एक जैसा नहीं रहेगा, हर कंडीशन में एक जैसा नहीं रहेगा। आप अगर साइटर में है तो आपका ये मसल अलग रहेगा, मैच स्टार्ट होते ही अलग रहेगा, मैच के बीच में अलग रहेगा, फाइनल में अलग रहेगा, टाई शूट हो गया तो अलग इमोशन होगा, अलग प्रेशर होगा, तो आपकी जो है ये मसल्स और ये मसल का पूरी बॉडी ही अलग रिएक्ट करेगी। ठीक है, आपकी बॉडी आपकी कमांड में नहीं रहेगी, मसल्स कहना नहीं मानेगी, एकदम ब्लाइंड हो जाता है आदमी, तो इसलिए भी ये जरूरी है। थर्ड चीज जो फिर से स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड है, आपका ये जो हिस्सा है सेंटर डेंजर जोन, बताया था मैंने एक्टिविटी के अंदर निशान बनाया था यहाँ पे, ये इसलिए कि जब भी आदमी डरता है कोई भी तो उसकी पल्स रेट बढ़ती है, स्वेटिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे धड़कन शुरू हो जाती है, बॉडी का हर हिस्सा धड़कने लग जाता है, एक एक रोम रोम में उसको पल्स रेट महसूस होती है। नॉर्मली आदमी को यहाँ महसूस होगी, यहाँ होगी, यहाँ नर्व्स पे होगी, लेकिन जब वो अंडर प्रेशर होता है तो पूरा मुंह लाल, ब्लड का फ्लो एकदम फास्ट, और यहाँ पे पल्पिटेशन शुरू हो जाता है। ये पल्पिटेशन अगर आपने ग्रिप को एकदम लपेट के पकड़ा हुआ है तो यहाँ की धड़कन कहाँ घुसी, ग्रिप के अंदर घुसी, और ग्रिप के अंदर घुसी तो ग्रिप के ऊपर ही बैरल लगी हुई है तो क्या होगा, ग्रिप का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ग्रिप का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो दिमाग क्या बोलेगा कि पिस्टल ज्यादा हिल रही है, अभी ट्रिगर मत दबाओ, ट्रिगर दबाए तो शॉट खराब जाएगा, तो शूटर क्या करता है उस कंडीशन के अंदर, ट्रिगर डिले करना शुरू कर देता है। डिले करने से क्या होगा, ब्रीथिंग घुट गया, दिमाग में थॉट्स आने शुरू हो गया, आंख का फोकस एक जैसा नहीं रहा, पूरा सिस्टम खराब हो गया, पूरी सीक्वेंस बिगड़ गई हमारी। तो ये समझ में आया लॉजिक इसका, ग्रिप के बारे में कोई डाउट? तीन पॉइंट्स पे लिया, ग्रिप को ढीला पकड़ा, इसको टच करने की कोशिश नहीं करनी है, ये एकदम होलो रहना चाहिए यहाँ से। ठीक है, अगर ये वाले स्टाइल में आप ग्रिप पकड़ेंगे जो तीन पॉइंट से मैंने बताया, तो ये ऑटोमेटिकली होलो ही रहेगा, इसके अंदर पूरा जो है
पूरा खाली है यहाँ से, समझ गए? कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, इसके बाद में आ गया अपना, जैसे ही पोजिशन ले लिया, ग्रिप पकड़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? लिफ्टिंग, पिस्टल को उठाना, ठीक है? अशोक इधर आ जाओ। पिस्टल को उठाना है कैसे? ब्रीदिंग के साथ में, ठीक है? ब्रीथ इन, उठाया और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। तो ये सिर्फ लिफ्टिंग का पार्ट है। लिफ्टिंग के अंदर सिर्फ क्या चीज है कि सांस लेते हुए पिस्टल को उठाना है, छोड़ते हुए नीचे आना है, ये हो गया लिफ्टिंग। अब लिफ्टिंग होते ही वहीं से एक कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है अपनी, साइड का अलाइनमेंट। तो जैसे ही अपना लिफ्ट पूरा हो लिया कि अपने को यहां तक उठाना है, तो वहीं पे अपन ने क्या किया, साइड को मिला दिया और ट्रिगर की जो फिंगर है उसको अपन ने प्लेसमेंट शुरू कर दिया कि मेरे को ट्रिगर कहां प्लेस करना है। तो ट्रिगर का राइट प्लेसमेंट क्या है, ये जो फर्स्ट पेरवा है, जो फर्स्ट कट है अपना, इस कट के अंदर यहां से लेते हैं, इस कट के इधर से, ना कि इधर, इस कट से इधर को लेना है। जितना पिस्टल का ट्रिगर वेट हल्का, उतना इधर को बढ़ता जाएगा। एयर राइफल के शूटर यहां से टच करके दबाते होंगे, फ्री पिस्टल वाले भी यहां से दबाते हैं, और अपना एयर पिस्टल वाले कई लोग यहां से दबाते हैं, कई यहां कॉर्नर टच कर देते हैं, वही 25 मीटर में थोड़ा इधर आ जाता है। 3.2 का जब आजकल वेट 1000 ग्राम हो गया, पहले जब 1500 ग्राम था तो उसको भी थोड़ा इधर से दबाते थे। और जो हैवी 9mm से आप फोर्सेज के अंदर पिस्टल यूज होती है, वो लोग यहाँ से पुश करते हैं, ट्रिगर को पुल करना पड़ता है। जो बड़ी स्नाइपर गन्स हैं, जितना हैवी ट्रिगर है 5 किलो 8 किलो, तो वो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ताकत लगा सकते हैं, तो 500 ग्राम ट्रिगर के लिए हमें ज़्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से दबाएं अपन। समझ में आई? ट्रिगर प्लेसमेंट अपन ने कहाँ ढूंढी, उठाते ही यहाँ पे ट्रिगर प्लेसमेंट ढूंढ लिया अपन ने, ठीक है? ट्रिगर प्लेसमेंट ढूंढने के बाद में साथ ही साइट अलाइन किया और धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो गए। अब नीचे आना स्टार्ट हुआ, उसके साथ साथ क्या हुआ, साइट तो अपनी अलाइन है ही है, ट्रिगरिंग साथ ही शुरू कर देनी है वहीं से। कुछ लोग क्या करते हैं, एमिंग एरिया में आने के बाद ट्रिगर को स्टार्ट करते हैं, पहले बहुत बढ़िया अच्छी स्मूथ होल्डिंग है, उस होल्डिंग के अंदर लेके आगे, और जैसे एमिंग एरिया में ट्रिगर दबाना शुरू किया तो आपने मूवमेंट की वहां पे। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कब चाहिए, एमिंग एरिया में, और एमिंग एरिया में आके ही आप ट्रिगर को स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने फिंगर को मूव किया है। लॉजिक समझ रहे हो? तो क्या करना है, उस मूवमेंट को एमिंग एरिया में नहीं देना है। 90% ट्रिगरिंग एमिंग एरिया में आने से पहले खत्म हो जानी चाहिए हमारी। ट्रिगरिंग एंड एमिंग एक साथ होती है, अलग अलग पार्ट नहीं है। इसलिए मेरे हर लेक्चर में, हर पीपीटी में, हर जगह पे मैंने ट्रिगरिंग और एमिंग अलग अलग कॉलम में नहीं लिखा, ट्रिगरिंग एमिंग साथ में ऐड किया है मैंने। प्लीज नोट इट डाउन इन योर डायरी, ठीक है? अभी सुन लो, आपके पास एक एक चीज डायरी, एक एक चीज मैं लिखवा भी दूंगा, और पीपीटी भी है अपने पास, उसको शेयर कर देंगे, पीपीटी में भी चेक करना, ठीक है? क्लियर हुआ ये? लिफ्टिंग किया, ब्रीद इन करते हुए, एक्सहेल करते हुए नीचे आए, नीचे आते आते अपन साइड को भी अलाइन कर रहे हैं, ट्रिगर जो फिंगर का प्लेसमेंट है वो सही कर दिया और ट्रिगर को दबाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दबाना दबाते नीचे आने शुरू हो गए, ब्लैक के नीचे जैसे ही अपन आए, 1-2-3 सेकंड के अंदर तो अपना ट्रिगर खत्म हो जाना चाहिए। और वो कब खत्म होगा, जब आपका 90% ट्रिगर ऊपर से आते आते पहले खत्म हो गया, तब आपका ट्रिगर 10% बचेगा और वो आपका एमिंग एरिया में स्मूथली एंड हो जाएगा। जितना ज्यादा ट्रिगर आप बचा करके एमिंग एरिया में लेके आ जाओगे, उतना ही ज्यादा देर लगेगी, उतना ज्यादा मूवमेंट बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ेगा तो हर आदमी इतना इंटेलिजेंट है कि बढ़े हुए मूवमेंट के अंदर ट्रिगर को नहीं दबाएगा, नहीं दबाएगा तो होल्ड होगा, तो फिर लॉन्ग होल्ड बीमारियों की जननी है ये, मान लो, है ना? लॉन्ग होल्ड हो गया, एक एक बीमारी बनती जाएगी, ब्रीदिंग जो आपने रोका है वो घुटना शुरू हो जाएगा, आंख का फोकस करने की ताकत खत्म हो जाएगी, थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, बॉडी मूवमेंट शुरू हो जाएगी, ग्रिप टाइट होनी शुरू हो जाएगी, अलग अलग सारी बीमारियां लॉन्ग होल्ड से ही स्टार्ट होती हैं। तो लॉन्ग होल्ड नहीं होना चाहिए। अब लॉन्ग होल्ड नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये भी नहीं है कि पहले तो दबाया नहीं और ब्लैक के नीचे आते टक करके खींच दिया आपने, तो उसमें भी जर्क लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? एक्सहेल करते हुए धीरे 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 नीचे आए अपन, ब्लैक के नीचे जैसे ही अपन पहुंचने वाले हैं, अपना फोकस चेंज होना चाहिए थोड़ा, यहाँ पे अपना फोकस साइट पे ज्यादा जाना चाहिए। जैसे ही आप ब्लैक को क्रॉस करते हैं, आपकी जो फोकस है, आंख की जो पावर है, आंख थोड़ी सी खुलनी शुरू हो जानी चाहिए। नॉर्मल देख रहे हैं, पहले जैसे ही ब्लैक को साइट क्रॉस कर लिए तो आंख खुलनी शुरू होगी थोड़ी सी, क्योंकि फोकस ज्यादा बढ़ाना है उस टाइम पे, साइट की गलती उस टाइम पे नहीं करनी, जूम करना है उस टाइम पे, और जूम क्या करना है, थोड़ा आंख खुल जाएगी आपकी, समझ गए? अब
इसके बाद क्या है, एमिग्रे में आगे ट्रिगरिंग करते हुए ट्रिगर फिनिश हो गया, अब है फॉलो थ्रो। ठीक है, फॉलो थ्रो क्यों जरूरी है, मैंने वो गैस कलर वाला आपको एग्जांपल पहले दे रखा है। और फॉलो थ्रो क्या क्या है कि जैसे ही गैस इसके अंदर से रिलीज होती है, गैस पैलेट की साइज में उसको पुश करती है कई दूर से, क्योंकि इसमें कोई बारूद तो है नहीं, हवा से जाने वाली गोली है, तो उसको जब वो पुश करती है आगे की तरफ, उससे पहले जैसे टक हुआ हमने डाउन कर लिया, तो वो गैस का जो धागा निकला है, जो धागे की शेप में गैस निकली है, वो उस पैलेट के डायरेक्शन को चेंज कर देगी। तो आपने सही रिलीज किया, बट अर्ली डाउन करने से आपने उस डायरेक्शन को चेंज कर दिया, वो शॉर्ट 10 जाने वाला 9 चला गया। तो इसलिए फॉलो थ्रो जरूरी है। दूसरा क्या है, फॉलो थ्रो करने से आपको ये आइडिया भी कंफर्म हो जाएगा आपका शॉर्ट गया किधर है, आपको आइडिया लग जाता है कि मेरा इधर गया है। तो इसमें दो चीजें, एक तो ये है कि आपने एकदम सही रिलीज किया, सही कॉल किया शॉर्ट को कि मेरा एकदम सेंटर 10 गया, लेकिन वो नहीं गया, 10.0 लगा। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आपकी गलती थी या गलती नहीं थी, आपको क्लिक देनी है कि नहीं देनी है। तो फॉलो थ्रो अगर आप करोगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरा शॉट सेंटर रिलीज हुआ था, वो सेंटर ही लगा है, लेकिन आप अगर अंदर से कॉलिंग द शॉट जो आती है वो ये आती है कि मेरा शॉट सेंटर रिलीज हुआ था, लेकिन मेरा 3:00 10.0 लगा है। तो आप क्या है, श्योर शॉट हो कि आपको ये क्लिक देनी है, समझ गए। तो क्लिक देने के लिए आपको डिसीजन लेने के लिए इजी हो जाएगा अगर आपने फॉलो थ्रो ठीक से किया है। तो इसके बाद में फॉलो थ्रो हुआ, कॉलिंग द शॉट कर लिया कि हाँ इधर गया उधर गया, उसके बाद आपने क्लिक दे ली, एक शॉट खत्म हो गया आपका। यहां तक किसी चीज में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं है, एनी क्वेश्चन, कोई भी चीज समझ में नहीं आई इस पूरी सिक्वेंस के अंदर, क्लियर है सबको? फोर साइड अगर ब्लैक से डाउन है तो शॉट किधर जाएगा, डाउन जाएगा। ये रिस्ट आपकी डाउन हो रही है, क्या आपकी हो रही है, पूछिए ना सबसे, पूछो। लॉक नहीं है, रिस्ट लॉक नहीं है, रिस्ट डाउन हो रही है, मान लो रिस्ट से टूट रहा है, साइट एकदम सेंटर में लेकिन पूरी रिस्ट डाउन हो रही है, रिस्ट लॉक नहीं हुई है, रिस्ट लूज है और इस पॉइंट के ऊपर आपने पिस्टल का वेट नहीं किया, समझ में आ गया। 3 पॉइंट ग्रीप में अगर ये पॉइंट आपने नीला छोड़ दिया है, यहाँ पे वेट नहीं आया आपका, तो आपकी रिस्ट डाउन जाएगी। और जो आदमी पिस्टल को पूरा ऐसे पकड़ते हैं उंगलियों की ताकत से, उनकी भी रिस्ट डाउन जाती है 30-40 शॉट के बाद, जैसे ही रिस्ट थकनी शुरू हो जाती है, साइड डाउन जानी शुरू हो जाती है। तो जो कुछ लोग आप अगर एनालाइज करो शूटर को, उसके स्कोर्स देखो, तो पहला कार्ड 98, 97, 96, 93, 94, 91 ऐसे आ गया, डाउन आता जा रहा है। उसके बाद उसका आपने ग्रुप देखा कि ग्रुप किधर है, तो 3 कार तक उसका ग्रुप एकदम सेंटर में, उसके बाद धीरे 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 नीचे आता गया। तो आप गैस कर सकते हो कि इसका रिस्ट डाउन हो रहा है, इसका साइड डाउन हो रहा है, यदि ये थक रहा है, इसका एंडोरेंस नहीं है। एनालाइज करने के लिए आपको काम आएगी ये चीज़, कार्ड देख करके बता सकते हो, फर्स्ट में डाउन जा रही है, लास्ट में डाउन जा रही है, बीच में जा रही है। तो ये चीज़ शूटर का डाटा हमारे पास होगा तो हमें एनालाइज करने के लिए काम आता है कि हमें किस चीज़ से क्या गैस करना है, उसको क्या आगे प्रोग्राम देना है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्लान्स, जो लेसन प्लान बनेंगे, वो लेसन प्लान ऐसे बनाने पड़ेंगे कि ठीक है, एक शूटर का ये आपको ग्रुप दे दिया कि ये ग्रुप बना हुआ है और इसके ये 6 कार्ड का ग्रुप है, पहले कार्ड का है, दूसरे का है, तीसरे का है, लास्ट में उसका जाते जाते स्कोर डाउन जा रहा है और ग्रुप उसका नीचे बनता जा रहा है कंसिस्टेंटली। तो आप इसके ऊपर लेसन प्लान शूटर को ट्रेनिंग प्लान बना के दो 7 डेज का कि इसको क्या करना है नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। तो आप क्या बना करके दोगे उसको, कैसे बना करके दोगे, आपको बनाना पड़ेगा। हम तो सिर्फ टास्क देने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर लेसन प्लान बना के लाओ। तो इसमें आपने क्या किया, स्टार्टिंग से उसको डाल दिया कि ठीक है, उसको रेंज में आया, 15 मिनट का वार्म अप किया, आधा घंटा ड्राई की, उसके बाद में उसको 5 मिनट बताया, ब्रीथिंग करवाई, और उसके बाद हम उसको ग्रिप का प्रोग्राम डालते हैं। तो ग्रिप में क्या प्रोग्राम डाला आपने, आपने शूटर क्या होता है, बच्चा है, उसको नहीं समझ में आता कि आप क्या प्लान बना के देने रहे। आप डॉक्टर हो, आप दवाई देने वाले हो, आपको कड़वी दवाई देनी पड़ेगी। बच्चा सिर्फ चॉकलेट चाहता है, वो कड़वी दवाई नहीं चाहता है, तो उसको मज़ा किस में आएगा। आप उसको खूब सारी गोलियां दे दो, ड्राई एज भी ना कराओ, दबा दब गोलियां चलाओ टारगेट पे, वो खुश है आपसे। लेकिन कोच का काम ये नहीं है कि बच्चा खुश है तो बस खुश है, नहीं, बच्चे का भला भी होना चाहिए, उसको राइट मेडिसिन देना है आपने। तो उसका टारगेट का जो उसका प्रोग्राम बनाना है, वो क्या करना है, सबसे पहले आगे से टारगेट हटा देना है। ठीक है, टारगेट हटा दिया तो स्कोर खत्म हो गया। उल्टा कार्ड लगा तो मैनुअल पे हो तो, इसके ऊपर हो तो भी टारगेट मत लगाओ आप,
प्रोग्राम चेंज कर दो उसका, ठीक है, इस पे ब्लैंक पे फायर कर रहा है, तो आगे उसका जो फोकस, जो दिमाग आगे जा रहा है, जो उसके लालच है, जो टेन का जो स्कोर का लालच होता है, वो खत्म हो गया। अब आप, अब वो जो बच्चा है वो करेगा जो आप बोलोगे, अब वो निस्वार्थ तरीके से कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाता वो। तो अब उसके कंटेंट में क्या डालना है आपको, कि सिर्फ ग्रिप पकड़ना है, ऐसे ग्रिप पकड़ लिया, सबसे पहले उसका रिस्ट, सिर्फ और सिर्फ रिस्ट पे लोड देना है, ऐसे पकड़ लिया, उसके बाद में ट्रिगर फिंगर ले लिया, ये सारी फिंगर्स बाहर रख दिए अपन, ठीक है, ये पूरी फिंगर बाहर रखी, उसको बोलो कि इसको होल्ड करो 10 मिनट, इसी के ऊपर ट्राई करो, इसी पे ट्रिगरिंग करो, ठीक है। अब क्या है, सिर्फ पहले पार्ट की ट्रेनिंग हो रही है उसकी, सिर्फ यहाँ पे लोड दे रहा है। सेकेंड प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर आपने डाले 15 शॉट इसके ऊपर कर लिए, अगले 15 शॉट में क्या करेगा, सिर्फ ये वाली उंगली डाल दो, ये सारी बाहर रख दो, ठीक है। अब इस रिस्ट, इस उसको बोलो कि सिर्फ इस पे वेट लेना है, इस पे वेट लेकर के फायर करना है फिर 15 शॉट, तो वो फिर इसके ऊपर वेट लेकर के फिर 15 शॉट किया। उसके बाद उसको पूरा वो दे दो कि पूरा ये ग्रिप अंदर डालना है, लेकिन ये फिंगर्स जो है वो यहाँ टच नहीं होगी, सिर्फ ऐसे लटकी रहेगी, ताकि वो हैंगिंग में फायर करना सीखे। तो उसको फिर हैंगिंग में करवा दिया और हैंगिंग में वो फायर कर रहा है, ठीक है। टारगेट नहीं है आगे, वैसे ब्लैंक टारगेट लगाओ, वैसे कुछ टारगेट लगाओ, मत ब्लैंक उसको एकदम कागज पे फायर करने दो, कोई दिक्कत नहीं है उसको, अपने को सिर्फ उसकी रिस्ट की लोड लेने की कैपेसिटी बढ़ानी है, उसको लोड लेने का फील दिलाना है, कि उसको फील आए कि यहाँ पे लोड कैसे लेना है, इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक है। तो ये चीजें अपन ने सबसे पहले टारगेट हटाया, तीनों के प्रोग्राम बना दिए 15-15 शॉट का, उसके बाद रिजल्ट देखा, उसका ग्रुप और उसका स्कोर बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, इस चीज की गारंटी है, उसका ग्रुप वैसा ही आएगा जैसा वो नॉर्मली पकड़ के करता है, और 3-4 दिन में उसका इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इस कंडीशन में उसका ग्रुप इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ऐसे फायर करने से, जो वो नॉर्मल में करता है ना उससे बढ़िया ऐसे मारेगा वो। इनकी जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो, इस उंगली के अलावा जरूरत नहीं है किसी चीज की अपने को, इसके पिस्टल को होल्ड करने के लिए, अलाइन करने के लिए। ग्रिप को पकड़ना सिर्फ हमारा उद्देश्य यही है कि हम साइड को अलाइन करने, ना कि इसके के अंदर से जूस निकालना है, ग्रिप को निचोड़ कर, समझ गया। ये हो गया ग्रिप की प्रॉब्लम के ऊपर लेसन प्लान, 3 तरीके से प्रोग्राम बनाया आपने, उसके बाद उसको रिपीट किया, फिर थोड़ा सा चेंज करके बना दिया उसको कि ठीक है इसके अंदर एक शॉट फायर करना है, फिर अगला एक इसके अंदर करना है, फिर अगला नॉर्मल पूरा पकड़ के करना है, फिर धीरे धीरे यही करते करते क्या करना है, 10-10 शॉट का बना दिया और 20 शॉट का नॉर्मल में करवा दिया, तो उसको भी एनालाइज करो कि हाँ नॉर्मल में ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इतनी सी ये लोड लेना शुरू कर दिया। अगर वो नॉर्मल में बिल्कुल वापस से खराब करने लग गया तो आपको फिर से नॉर्मल को हटा देना है, फिर उसको इंक्रीज कर देना है। तो ये है अपना उसका ग्रिप की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का लेसन प्लान। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। और अब किसी को और किसी चीज टॉपिक के ऊपर कोई पूछना है कि भाई इस चीज की गलती कैसे निकालें, बाहर निकालें? जो मोटे लोग होते हैं, ठीक है, जिनकी गर्दन पूरी, जैसे अभी मैं पतला हूँ या बाकी लोग हैं, वो 90 डिग्री ऐसे इजीली खड़े हो सकते हैं, लेकिन कोई बहुत मोटा है तो वो नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंफर्टेबल है कि वो थोड़ा सा ऐसे करके खड़ा होगा, क्योंकि उसकी गर्दन पूरी इधर आएगी नहीं 90 डिग्री, मोटी है ना, तो क्या होगा उसके लिए ये इजी कि वो थोड़ा सा ऐसे करके खड़ा होगा ताकि वो सामने से देखे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पोजिशन का, आप चाहे ऐसे खड़े हो चाहे आप ऐसे खड़े हो, किसी शूटर को मोटा है ऐसे करवाना पड़ रहा है, या और कोई, जो हमारा कार्निया है, आंख का काला वाला ये बोल दिख रहा है आपको, है ना, ये हमारी साइट के सेंटर में होना चाहिए। जब अगर मैं इधर से साइट को देख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ, तो अभी मेरा कार्निया कहाँ है, मेरे आंख के सेंटर में, ठीक है। अभी अगर इसी को मैं ऐसे करके खड़ा हो जाऊं, ऐसे देखूं, मेरा सेंटर में है नहीं, मेरे को क्या क्लियर विजन बनेगा? बनेगा, धुंधला दिखेगा ना। कुछ लोग इस पोजीशन की गलती की वजह से, गर्दन की पोजीशन की गलती से, कुछ ऐसे देखते हैं, कुछ ऐसे खड़े होने वाले क्या कर देते हैं, उसको इधर से कोने से देखने लग जाते हैं, या तो कार्निया इधर आ जाता है या इधर आ जाता है। अगर कार्निया, कोई भी पोजीशन बनाओ, बच्चे की पोजीशन बनते ही अगर वो बोलता है कंफर्टेबल है, लेकिन थोड़ी सी लेफ्ट राइट है, आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, लेकिन अगर उसका कार्निया सेंटर में आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। कार्निया फोरसाइड के जस्ट पीछे रहना चाहिए। जो साइड अलाइनमेंट होता है, जो साइड पिक्चर बना हुआ देखते हो आप, साइड पिक्चर क्या होता है, आंख, उसके बाद बैक साइड, फोरसाइड,
टारगेट, पूरी जो एक पिक्चर बन रही है वो मेरे कार्निया से शुरू होनी चाहिए, कार्निया के बाद मेरी बैक साइड आएगी, फिर फोर साइड आएगी, इसके आगे टारगेट आएगा, टारगेट का ब्लैक का जो एमिंग एरिया मेरा वहां आना चाहिए। अगर ये मैं इधर से देख रहा हूं इस रॉन्ग, कोई डाउट? ठीक है, तो पोजीशन के अंदर सेकेंडरी जो चीज देखते हो, अगर किसी बच्चों किसी कोई डिसेबिलिटी भी होती है, किसी की मसल्स बॉडी, कोई ज्यादा पतला है, कोई मोटा है, कोई वीक है, तो उसको थोड़ा बहुत अपने को कंफर्ट के लिए लेफ्ट राइट देना पड़ता है, दिया हमने माना, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कि उसका कार्निया डिस्टर्ब हो जाए, कार्निया एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड इन एमिंग में भी आ गया आपका ये एमिंग का पार्ट भी है। ओके ठीक है, मतलब जो आपको अगर एमिंग अलाइनमेंट जो बोला था ना अलाइनमेंट, वो अलाइनमेंट के अंदर ये चीज सेम है, इसीलिए सीधा खड़ा होने से आपको क्या, ये इसको क्यों हमने मूव किया था, इसको मूव करने से कार्निया मूव नहीं हुआ हमारा, जो बोल रहे थे ना कि इसको क्यों नहीं मूव करे, इसको मूव करते ही कार्निया मूव हो जाएगा हमारा, क्यों गर्दन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, जीरो पॉइंट अलाइनमेंट यही होता है, जीरो पॉइंट अलाइनमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बॉडी का अगर बैलेंसिंग सही है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी अगर हमें मिल गई तो उसके बाद हमारा काम इजी हो जाएगा पिस्टल को होल्ड करना। सबसे प्रायोरिटी क्या है, पिस्टल होल्ड होनी चाहिए, ट्रिगरिंग एमिंग साइट सब कुछ बाद में तो कर पाओगे, पिस्टल ही होल्ड नहीं हो रहा है, गलत पोजीशन बना के खड़े हो गए, पिस्टल ही ऐसे नाच रहा है तो ट्रिगर कैसे दबेगा, कितना अच्छा शूटर हो वो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए पोजीशन लेते टाइम पे ये ध्यान रखना है, बच्चे को पहले पूरा सेफ्टी वगैरह चेक करके उसके बाद बोलो कि आप एम करो, और उसके बाद एम करके आप सामने जा करके उसको देखो कि कार्निया उसका सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसकी अगर इंडिविजुअल कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो बड़ा मिरर लगवाइए रेंज के ऊपर और उस मिरर के ऊपर प्रैक्टिस करवाइए, मिरर में बच्चा एक बार साइड देखेगा, एक बार आगे हो गया अपनी कार्निया देखेगा, तो उसको इंडिविजुअल प्रैक्टिस में भी वो काम कर सकता है। हमारी आर्मी की रेंज में याद होगा बहुत सी जगह पे बड़े बड़े मिरर लगे हुए थे पहले, तो उनपे वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए था कि डोलिंग की लिफ्टिंग के लिए भी कि वो उठाते हैं, उसका कार्निया डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये इसीलिए करवाया जाता है। कई लोग पूछते हैं कि रेंज पे इतना बड़ा मिरर क्यों लगा हुआ है, वो इसलिए लगा हुआ है कि वो अपना पोजिशन चेक कर सके, अपना कार्निया स्ट्रेट है कि नहीं है, वो बॉडी पोस्चर पता चलता है। कार्निया से रिलेटेड कोई सवाल और कोई किसी चीज का डाउट, ट्रिगर में अगर ट्रिगर फिंगर प्लेसमेंट बता दें, ट्रिगर में अगर कोई शूटर मान लीजिए ये टारगेट है आपका, ये टारगेट है और ये वाला शॉट मार रहा है, बार बार यहाँ पे शॉट मार रहा है, तो क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें शॉर्ट शॉर्ट नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम क्या है, ये शॉर्ट डाउन भी है और सेवन ओ'क्लॉक आ रहा है, तो ये क्या है, ट्रिगर की ज्यादा चांसेस है। आप पिस्टल को उठा करके जर्क मारोगे ना जल्दी से, झटके से ट्रिगर दबाओगे तो शॉर्ट इसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि जैसे जर्क लगाओगे पिस्टल इधर आएगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है जल्दी ज्यादा इजीली मुड़ने की, इधर है इधर नहीं जाएगा, ये हाथ ये मुड़ेगा तो इधर इजीली मुड़ेगा, ठीक है, इसकी टेंडेंसी है नीचे आने की, ऊपर जाने की नहीं है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, फास्ट इधर आने की, ये इधर नहीं जाएगी इधर आएगी, तो क्या है, शूटर जिसकी होल्डिंग अच्छी नहीं होती है या जो ज्यादा स्कोर कॉन्शियस हो जाता है, जैसे ही उसकी साइड यहाँ पे आती है वो क्या करता है, दबा दे जल्दी, तो वो क्या है कैच करते हैं, वो टेन की क्या करते हैं हंटिंग करने लग जाते हैं, इस हंटिंग इसको हंटिंग बोलते हैं कि टेन हंटर है, तो जैसे ही टेन पे साइट आती है वो क्या करता है जल्दी दबाने की कोशिश करता है, जल्दी दबाते ही साइट हिल जाती है, क्योंकि ट्रिगर कहाँ पे लगा हुआ है हमारा, बैरल के नीचे ही है ना, इसमें जर्क लगेगा तो सबसे पहले क्या हिलेगी, बैरल हिलेगी, इसको अगर फोर्सफुली अपन जल्दी दबाएंगे तो ये इधर आएगी, ठीक है, क्योंकि इसका प्रेशर हम किधर को मार रहे हैं, इधर को मार रहे हैं, तो ये क्या करेगी इसको इधर खींच के लाएगी, तो अगर यहाँ पे बार बार शॉट आ रहे हैं इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन के अंदर, इधर 7 to 8 o'clock डाउन साइड, ठीक है, इधर टारगेट के 7 to 8 o'clock अगर शॉट आ रहे हैं तो मतलब ट्रिगरिंग की गलती कर रहा है, ठीक है, अगर ग्रुप अच्छा बन रहा है इधर बार बार एक ही जगह आ रहे हैं तो ट्रिगर की गलती है सिर्फ, अगर ग्रुप कभी टेन कभी इधर कभी टेन कभी इधर, तो मतलब कभी कभी उसकी रिस्ट टूट रही है, कभी नहीं टूट रही है, कभी ठीक चला रहा है कभी नहीं कर पा रहा है, तो इसमें आप क्या लेसन प्लान दोगे उसको बना करके कि किसी बच्चे में ट्रिगर की मिस्टेक आ गई है तो उसको कैसे ट्रेनिंग करोगे, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रिगर की प्रॉब्लम है, अब उसको 7 दिन का प्रोग्राम देना है आपने,
तो क्या प्रोग्राम बनाओ, कैसे डालोगे उसके साथ दिन के प्रोग्राम में? फर्स्ट डे का मैंने बोला रीडिंग के साथ फिगरिंग को कंटिन्यू करना जो आपने फर्स्ट डे बोला। बिल्कुल करेगा सेम लाइन करके फिगर बॉल होल्डिंग कर सकते हैं हम, जैसे वो आ रहा है टिगर प्लेयर प्रॉपर्ली रखें, टिगर प्लेस हर बार एक जैसा टिगर प्लेस रखें। ओह वेरी गुड। और शूट टाइमिंग फिक्स करना है उसको बताना कि अपने जो तेरा टाइम आ रहा है उसको नोट करो और उसी के अकॉर्डिंग ट्रिगरिंग करो। नोट नहीं करेगा, नोट आपको हाँ, मतलब उसको बताएंगे। वो तो शूटर तो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको सिर्फ चॉकलेट चाहिए, मेडिसिन देने वाले आप हो, मुंह में ठोकनी पड़ेगी गिले बेटा इसको खा। वो उसको हार्ड प्रोग्राम अच्छा नहीं लगेगा, आपको ट्विस्ट भी करना है कि उसको मजा भी आए करके और आपका काम भी हो जाए, उसका काम भी हो जाए, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। इतना बोरिंग प्रोग्राम मत दोगे शूटर को लगेगी ये कोच कहाँ से आ गया है, ये तो मेरे को मतलब पूरे दिन ऐसे ही उठा के खड़ा कर रखा है, आप पूरे दिन ड्राई करा रहे हो, सेटिंग करा रहे हो, नहीं। इतना इंटरेस्टिंग बनाओ, दवाई को भी इतना अच्छे से रेपर के अंदर देना है कि उसको मजा आए कि क्या बात क्या दवाई दी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही टारगेट हटा दिया, उल्टा टारगेट लगाया या ब्लैंक टारगेट कर दिया, उसके बाद स्कोरिंग का हमारा जो उसका थॉट है वो खत्म हो गया। उसके बाद क्या करना है, ट्रिगर का जो पुल है यहाँ से ये जो स्क्रू है इसको एंटी क्लॉक घुमाना है, ट्रिगर का लेंथ लंबा हो जाएगा। उसकी जो इसकी जो टेंडेंसी है ना, इसको जो चलाने का तरीका है, आप लोग स्कूटी मोटरसाइकिल सब चलाते हैं ठीक है, गाड़ी चलाते हैं, कुछ स्कूटी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, या जेंट्स के बारे में हम बात करें तो पेन जब भी हम लेते हैं पेन हम यहाँ रखते हैं अगर शर्ट पहना हुआ है तो ठीक है, मोबाइल होता है इधर रखते हैं, वॉलेट होता है इधर रखते हैं, कभी किसी मैन को देखा वॉलेट को यहाँ रखे हुए नहीं देखा है? ये नेचुरल हैबिट बन गई उसकी, यहाँ जाएगा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं तो इस हाथ में अगर उसका सेल्फ है तो वो यहीं से स्टार्ट करेगा, स्कूटी यहाँ से स्टार्ट करेगा, ब्रेक ऐसे दबाएगा, कभी देखा है कि इस वाले ब्रेक को दबाने के लिए इस हाथ से आके दबाया हो उसने, अगर गियर डालना है मोटरसाइकिल में तो वो सिर्फ पंजे का यूज करता है, कभी एडी से दबाते हुए देखा है किसी को? नहीं देखा है ना। अगर इंडिकेटर इस साइड में है, गाड़ी का स्टेयरिंग के पास इंडिकेटर है तो इस हाथ से आके दबाता है कोई? क्यों नहीं करता है वो ऐसा? क्योंकि उसकी हैबिचुअल एक्शन बन गया, वो बार बार वैसा ही करे क्योंकि उसने अपने आप को हजारों बार वैसी ट्रेनिंग दे दी है। समझ गए हो आप? हाँ, रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन सही चीज की, तो उसकी रिपीटेशन करवानी है हमें, उसको आदत डालनी है ठीक है। इन उंगलियों को आदत क्यों पड़ी, इन चीजों की, अंगूठे को हॉर्न बजाने की, इसको सेल्फ स्टार्ट करने की, इसकी आदत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने इनको ट्रेन किया, अब इसको पता है, जैसे बाइक पे बैठे पता है चाबी डाल दी स्टार्ट करना है तो ये अंगूठा अपने आप हरकत में आएगा कि मेरे को सेल्फ लगाना स्टार्ट करना है, ये अंगूठा नहीं आएगा कभी भी हथेली से नहीं दबाओगे आप उसको, नहीं करते हो? समझ में आया लॉजिक? क्योंकि हमारी बॉडी को आदत पड़ गई है उस चीज को करने की, इसलिए वो वैसा करता है। तो हमें क्या करना है, इस ट्रिगर फिंगर को इतना ट्रेन करना है कि किसी भी कंडीशन में, कितने भी प्रेशर में हो, कितने भी खुशी में, गम में, साइटर में, मैच में, टाई सूट में, वर्ल्ड कप में, ओलंपिक में, ये ट्रिगर फिंगर वैसा ही रिएक्ट करे जैसा आपने ट्रेन कर लिया, चाहे आप कॉन्शियसली यहाँ प्रेजेंट हो या सबकॉन्शियसली शूटिंग अपने आप बॉडी कर रही है या कहीं थॉट आ गए कहीं भी चले गए, लेकिन इसकी ट्रेनिंग इतनी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि ये उस दिए हुए टाइम में अपना ट्रिगर खत्म कर दे। समझ गए? इसकी ट्रेनिंग अभी कैसे स्टार्ट करनी है, इसका फर्स्ट पुल थोड़ा सा लंबा करना है ठीक है, ताकि इसको मूवमेंट मिले, इसकी मसल्स को मूवमेंट मिले, बच्चा मूव करना सीखे। बहुत छोटा ट्रिगर बना दिया तो उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से दबाना स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म होगा, उसने प्रेशर दिया वहीं खत्म हो गया, तो उसका डर नहीं निकलेगा ट्रिगर फिंगर का कभी भी, वो ट्रिगर से डरेगा हमेशा। समझ गए? तो इसकी लेंथ बढ़ा दी, लेंथ बढ़ाने के बाद क्या किया, उसको एक इतनी बड़ी ब्लैक लाइन खींच दी, जो मार्कर पेन आता है ना, मान लीजिए कि इसकी मोटाई की एक लाइन खींच दी ठीक है। उसके बाद जो पहले पुराने 25 पैसे आते थे देखे होंगे सबने, बिंदी लगाती हैं औरतें, उतना बड़ा ब्लैक डॉट लगा देना है यहाँ पे, जो स्टिकर भी आते हैं 25 मीटर में चिपकाने के लिए, वो वाला स्टिकर उस लाइन के नीचे लगा देना है। कहाँ लगाना है? वो लाइन दीवार पे खींच दी और इसके नीचे यहाँ पे वो स्टिकर आपने लगा दिया ठीक है, फेस्ट हो गया, वो आपका टारगेट है या आपकी लेंथ है। तो आप क्या किया, शूटर को खड़ा कर दिया, उसके ऊपर यहाँ तक उठाएगा, यहाँ से ट्रिगर दबाना स्टार्ट करेगा, दबाते दबाते लेके आया और उस डॉट के नीचे आया, टक फायर हो गया। एक बार में 5 बार का टारगेट दो, यहाँ से फिर स्टार्ट किया, लेके आया टक, फिर उठाया फिर लेके आया टक, फिर उठाया फिर लेके आया टक, इसके ड्यूरिंग उसका ब्रीदिंग पैटर्न वैसा ही चलेगा, जैसे ही फायर हो गया फिर उसने ब्रीद इन किया, गया फिर साइड लाइन किया, ट्रिगर दबाना शुरू किया, लेके आया टक, फायर हो गया। इससे क्या होगा कि उसका जो ट्रिगर फिंगर का जो एक तो डर है, जो मसल है वो खुल जाएगी, उसको आदत पड़ जाएगी, हैबिचुअल होना चाहिए। हमें आर्टिफिशियली पूरी जिंदगी शूट नहीं करते रहने,
हमें नेचुरल शूटर बनना है। नेचुरल शूटर बनाने क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर नेचुरली वो चीज इतनी फीड कर दो, इतने क्लियर कर, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपकी टेक्निक होनी चाहिए कि क्या करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो। तो कई बार बच्चे को नहीं पता चलेगा कि ये प्रोग्राम मेरे को क्यों दिया, लेकिन आपने गेस किया कि इसमें यह प्रॉब्लम है, आपने तुरंत बीच में प्रोग्राम चेंज कर दिया, थर्ड डे चेंज कर दिया, नहीं अभी ये नहीं, यहाँ से ये स्टार्ट होगा। बच्चा बोलेगा क्यों, बोला नहीं चुप रहो ये करो। तो ये कोच का डिसीजन, आपको एनालाइज करना है कि भाई ये बीच में इसको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी तो मैंने बीच में 20 शॉट इसके डाल दिए। तो समझ के इससे क्या हुआ, इसके जो फ्री मूव करने की जो पावर है, जो डर है उसका निकल गया, उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं ट्रिगर दबा रहा हूँ और मेरा पूरा, नहीं तो क्या होगा, आप उसको बोलोगे रनिंग में दबाते दबाते ट्रिगर लगा, उसको डर लगा रहेगा कि मेरा ऊपर ना निकल जाए, मैं पहले फायर ना हो जाए, वो डरेगा क्योंकि दबाते हुए नहीं लेके आएगा। ब्लैक के नीचे आके ही ट्रिगर क्यों दबाना चाहता है शूटर, क्योंकि उस पहले उसको डर है कि कहीं पहले फायर हो गया तो मेरा 1, 2, 5 में लग जाएगा, इसलिए वो क्या करता है पहले से दबाते हुए नहीं लेके आता है, वो ब्लैक के नीचे आकर के दबाता है। और वो सबसे खराब टेक्निक है, सबसे खराब जिसको टेक्निक बोलते हैं ना, वो टेक्निक है, वो टेक्निक ही नहीं है ये मान के चलो आप। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करवानी है उसको ट्रिगरिंग की। तो वो दबाते हुए लेके आए तो उसको क्या, अभी 2, 5, 7 दिन के अंदर उसको प्रैक्टिस होगी और कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ यार मेरा तो बार बार वहीं ब्लैक के नीचे आके दब रहा है। अब उसकी जो सबकॉन्शियस के अंदर जो फीड होनी है, जो मेमोरी उसको फीड होनी है, जो आपकी मोटरसाइकिल ड्राइविंग उनके अंदर जो फीड हुई थी, वही मेमोरी उसको फीड होगी इसके बारे में। अब उसको कोई डर या डाउट नहीं है कि मेरा ट्रिगर पहले नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, तो अब उसके एकदम दिमाग में फीड होगी, अब वो कॉन्फिडेंट है। जैसे ही आप उसको पूछ लो, आप उसको खुद एनालाइज कर लो कि जैसे नीचे आके रुक रहा है, शॉर्ट फायर हो रहा है उसका, ड्राई टक टक हो रहा है, तो आपको देख लिया कि हाँ अब इसका ठीक हो रहा है। उसके बाद उससे बात भी कर लो कि हाँ क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, पहले निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर पॉजिटिव हो तो उसको फिर ब्लैंक टारगेट जो अपन ने लगाया था उल्टा, उसके ऊपर फायर करवाओ उसको, उस पर अगर बार बार फायर कर रहा है, जैसा सीधे टारगेट पे ग्रुप बन रहा है उससे भी अच्छा ग्रुप बनता है ब्लैंक पे फायर करके। टारगेट के सेंटर में बोलो एम करो, ऑलमोस्ट आइडिया लो, अंदाजा लगा करके टारगेट के सेंटर में एम लो और फायर कर दो, अंदाजा लगा सेंटर में एम लो और फायर कर दो, तो उसकी दो चीजें क्लियर होगी। एक तो उसको साइट क्लियर रखने की, क्योंकि आगे देखने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ब्लैक बॉल नहीं है, तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी साइट में फोकस जम जाएगा, आंख को भी आदत पड़ रही है साथ साथ साइट को क्लियर देखने की, प्लस उसकी ट्रिगरिंग वैसी हो रही है, तो क्या होगा, ट्रिगरिंग की उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये प्रोग्राम आपको डालना है, वो जो लेसन प्लान की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसके अंदर इसी चीज को डालना है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, एज ए मेडिसिन ये देते रहना है डेली। ये नहीं कि शूटर को दिया 200 शॉट दे दिए, जा फायर करके आ गया, उसको भी नहीं पता क्या किया, आपको भी नहीं पता क्या किया, वो अच्छा लगा तो शूटर खुश है, बुरा लगा तो मुंह लटका लिया, घर चला गया, अगले दिन वापस आया फिर वही फायर कर रहा है, नहीं, ये वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ खराब हो रहा है मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से उसको एनालाइज भी करना है और उसको ये प्रोग्राम बना के देने हैं। एनालाइज करोगे तो आप प्रोग्राम बना पाओगे कि वो क्या गलती कर रहा है। तो ट्रिगर के रिगार्डिंग ये चीज होगी, इसी के साथ में अपन ने ये जो प्रोग्राम बनाया इसमें उसकी साइट की प्रैक्टिस भी होगी, आंख को भी देखने की ऐसी आदत होनी चाहिए। देखिए अगर ये गिर जाता है मेरे हाथ से, ये गिर जाता है तो इसको उठाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे पकड़ के उठाऊंगा क्या, इसको नहीं उठाऊंगा ना, इसके लिए मैं क्या करूंगा, दो उंगलियां जाएंगी इसको आराम से उठा लेंगी। ये ऑर्डर किसने दिया मुझे, माइंड ने दिया, इसने बताया कि इसका 5-7 ग्राम वेट होगा और इसको आराम से आप ऐसे उठा सकते हो, दिमाग ने ऑर्डर दिया ना, मैंने तो नहीं बोला कि 4 आदमी आओ यार इसको उठवाओ मेरे से। लेकिन वही अगर 100 kg वेट यहाँ पे रखा है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं सोचूंगा कि कमर वमर बेल्ट वेल्ट टाइट कर लूं, उठाऊं, उठेगा कि नहीं, फिर सोचूंगा दो को और बुला लेता हूं। ये ऑर्डर कौन दिया, ये जजमेंट किसने दिया, ये डिसीजन कहां से आया, यहां से आया। तो ये सब डिसीजन यहीं से आता है। और ये कब आया, मैं 100 किलो को क्यों नहीं उठा, आप छोटे बच्चा जो 1 साल का 2 साल का होता है, आपने देखा होगा कि वो 100 किलो की चीज को भी उठाने के लिए कोशिश करता है, 2 किलो की भी उठाने की कोशिश करता है, गिर भी पड़ता है, उसको ये भी नहीं पता यहां से जंप करूंगा चोट लगेगी, वो जंप भी कर जाता है, चेयर से बेड पे जंप करता है, बीच में गिर जाता है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसके दिमाग को अभी इतना नॉलेज नहीं है कि मैं जंप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यहां से नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये 100 किलो मेरे से उठेगा कि नहीं उठेगा, कभी वो चेयर उठाने की कोशिश करता है, कुछ उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। बट आपको है, आपका दिमाग इतना बड़ा हो चुका है, आपकी इंटेलिजेंस इतनी है कि अब आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या चीज आप कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपको क्या करना है। तो थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लेना है और उसके ऊपर उस तरीके का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। इसको सिखाना है ट्रिगर दबाना, आपको सिखाना है साइड को कैसे देखना, अगर आपकी साइड थोड़ी सी भी डाउन लेफ्ट राइट हो गई है तो आपका दिमाग आपको ऑर्डर दे देगा, क्या दे देगा, साइड ठीक नहीं है, अभी शॉट खराब लगेगा। लेकिन
जो लेजीनेस है अंदर की, ये विल पावर एड होती है यहाँ पे, ये पार्ट ऑफ विल पावर भी है। अगर आपके अंदर लेजीनेस है थोड़ी सी भी, तो क्या करेगा शूटर की मेरा थोड़ा सा साइड डाउन हो गया, ऐसे हो गया, तो जो लेजी शूटर वो क्या करेगा, कोई भी थोड़ा इसको पूरा ऊपर उठा के फायर कर देता हूँ, ऊपर उठा के फायर किया 10 लग गया। अब ये क्या है, ये एक छलावा है, ये लालच है। एक बार इस गलती से 10 लग गया तो अगली बार शूटर क्या करेगा, अरे पिछली बार भी तो लगा था, अगली बार भी डाउन थोड़ी सी उठा के कर देता हूँ, उसमें फिर क्या होगा 8 लग जाएगा। तो आपने एक गलती से एडवांटेज मिली, अगली डिसएडवांटेज मिली, और आपकी प्रैक्टिस जो आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए वो नहीं हुई, आपकी विल पावर कमजोर पड़ेगी। शूटर में इतनी कट्टरता, इतनी विल होनी चाहिए कि एक शॉट को 100 बार भी अगर उठाना पड़े तो वो उठाए, लेकिन वो फायर अपने प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से ही करे। द डिसिप्लिन ऑफ शॉट इज कॉल्ड डिसिप्लिन ऑफ शॉट। तो डिसिप्लिन ऑफ शॉट क्या है कि परफेक्ट साइट है, परफेक्ट तरीके से आप ट्रिगर लेके आए और आपको आइडिया है कि अभी निकलने वाला है, निकल गया, दैट्स इट। उस कंडीशन में एक्सीडेंटल अगर आपने 7 भी शूट कर दिया, आप अपने आप में गिल्ट महसूस नहीं करोगे, आपको पता है ये एक्सीडेंटल हुआ है। एक्सीडेंट के ऊपर तो बड़े से बड़े एक्सीडेंट में भी माफी होती है, उसकी आपको माफी, आप अपने आप को माफ कर सकते हो उसमें कि एक्सीडेंटल हो गया ये। लेकिन आप अगर लालच करके, जबरदस्ती करके, आपके टाइमिंग में फायर नहीं हुआ, फिर भी आप सोचे कौन दोबारा उठाएगा, फिर करेगा चलो यहीं थोड़ा सा एडजस्ट करके फायर करता हूँ, और उसमें 8 लग गया, तो आप गिल्ट महसूस करने लग जाओगे कि यू आर नॉट ए गुड शूटर, यू आर नॉट ए परफेक्ट शूटर। तो इस कंडीशन के अंदर हाँ ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। विल पावर से एड ये करता हूँ कि जैसे मान लो किसी ने एक डिसीजन लिया कि मेरे को आज से समोसे नहीं खाने, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि किसी का बर्थडे आ गया, उसने समोसे जलेबी केक लेके आ गया, और आपने कहा कि मैं तो कल ही छोड़ देंगे, लेकिन कोई नहीं बर्थडे है तो खा लेता, उसने अपने विल को कमजोर किया, अपना डिसीजन चेंज कर दिया, जबकि एक दिन पहले उसने डिसीजन लिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, और अगले दिन को पार्टी थी इसलिए खा रहा हूँ कि बर्थडे है इसलिए मैं खा रहा हूँ। वो शूटर यहाँ भी गलती करेगा, वो यहाँ भी लेजी बनेगा। इफ यू आर लेजी, यू आर ऑलवेज ए लेजी। अगर आप पर्सनल लाइफ के अंदर लेजी हैं, आप डिसीजंस को चेंज करते हैं, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप यहाँ भी फ्लेक्सिबल बनोगे, यहाँ भी आप पूरे पूरे शॉट 10 नहीं मार सकते हो। तो इसलिए जो जितना बड़ा शूटर है, आप देखिए उसके उतनी बढ़िया दिनचर्या है, उतना बड़ा डिसिप्लिन है, उसको क्या खाना है, कब उठना है, डॉट टाइम पे उठता है, बुखार भी है तो उठेगा, वैसे रनिंग ना करें, उठेगा, बैठेगा, मुंह हाथ धोया, फ्रेश किया, कोई नहीं बैठा मैं अनुलोम विलोम करूंगा, लेकिन उठेगा। ये उसकी विल पावर, ये उसको शक्ति देती है, पावर देती है। ये पावर किसी मेडिसिन से नहीं आएगा, किसी किताब को पढ़ने से नहीं आएगा, ये डिसिप्लिन को फॉलो करने से आपके अंदर चीज आएगी। तो शूटर्स की विल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये इसके अंदर विल पावर का जितना रोल है उतना और किसी चीज के अंदर नहीं है। सब कुछ परफेक्ट है लेकिन विल कमजोर है तो बाकी सारी चीजें जीरो है। अंडरस्टैंड? अब अपन एक एक करके फायर करेंगे। गर्ल्स से शुरू करो, आ जाओ। पिस्टल की गर्ल्स कौन कौन है, आ जाओ। और दूसरी कहाँ है, प्रियंका, ठीक है, वो हाँ राइफल है ना, राइफल वो सरिता आ जाओ, दोनों आपको एक टास्क दिया जा रहा है, आप अपने आप ही। अभी आप लोगों को बोलना कुछ नहीं है, जो मैंने बताया सेम तरीके से अलाइनमेंट लेना है, पोजीशन लेनी है, और दो दो शॉट फायर करनी है, और आप सब नोट कर सकते हैं, पूरा सब कुछ चेक करके। आप, मैं खुद देख रहा हूँ, आपको भी देखना है ये लोग कहाँ गलती करते हैं, क्या चीज नहीं करते हैं, क्या चीज गलत तरीके से करते हैं, आपके पास डायरी में होना चाहिए, ठीक है, कि जो चीज ये गलत कर रहे हैं वो आप नोट करोगे कि एक नंबर ने, दो नंबर ने ये चीज गलत की थी, आपने ठीक करना है, समझ गए। चलो इधर आ जाओ, देखो इनको सामने से, ये आपके ट्रेनिंग से आप सिखा रहे हो, चलो स्टार्ट करो। आप उसकी गलती को कैसे पकड़ना है, और जस्ट गो थ्रू दिस सेफ्टी आल्सो, सेफ्टी को भी बहुत ध्यान में लेकर के चलना है आपने, ठीक है। सेट कर लिया वो, हाँ रेडी है, टारगेट रेडी है। I don't need your diary.